क्या आप भी मेरी तरह गाजर का हलवा बनाने खाने के शौकीन हैं और किसने के झंझट से बचना चाहते हैं? तो आज का यह स्पेशल रेसिपी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और बेचलर्स को ही डेडिकेटेड है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। आपके अपने प्यारे चैनल ब्यूट द हीट में आप सभी का स्वागत है। इसके लिए मैंने 1 किलो गाजर को छिलकर धोकर रफली कट कर लिया है। गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ों में 1/2 कप शक्कर, 1/4 टेबलस्पून इलायची पाउडर और 1 टेबलस्पून हमने घी ले लिया है। ऑप्शनल सामग्री में काजू और बादाम को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है और दूध पाउडर है, इसकी मात्रा को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर कुकर गर्म हो चुका है, अब इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे और घी जैसे ही गर्म होता है उसके बाद धोकर कट किया हुआ गाजर हम डाल देंगे और उसको हल्का सा 1 या 2 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। आज की रेसिपी सिर्फ थोड़े से ही चीज़ों में और मात्र 15 मिनट में बनके तैयार हो गई है। दोस्तों, यहाँ पर घी गर्म हो गया है और हम गाजर को डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जो लोग मेहनती हों कृपया वो इस पार्ट को स्किप कर दें, लेकिन जितनी देर में हम गाजर को छीलकर धोकर पीसेंगे उसके आधे से भी कम समय में हमारा स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो तो एक बार मेरे कहने पर ये रेसिपी ट्राई करें और एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। शक्कर और दूध पाउडर को डालकर एक बार अच्छे से चला लेना है। उसके बाद कुकर का ढक्कन लगाकर मात्र 1 सीटी में गैस की आंच को बंद कर देंगे। एक ज़रूरी बात, हलवा या खाना हमेशा ढककर ही बनाएं, इससे पौष्टिकता बनी रहती है। दूसरी खास बात, आज हमने हलवा बनाने के लिए केवल 1 ही बर्तन का इस्तेमाल किया है। अब हम कुकर का ढक्कन लगाकर 1 सीटी का इंतज़ार करते हैं। तब तक आप कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्यारा सा दिल वाला इमोजी और एक प्यारा सा कमेंट मुझे कर दें, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ तक के प्रोसेस में हमको मात्र 5 मिनट का समय लगा है। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन दिख रहा है। इस वीडियो का सभी पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कोई भी पार्ट स्किप ना करें। अब इसको मैश करने के लिए ऐसे मैशर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बैचलर्स तो ये सब रखते नहीं हैं, इसलिए हम इस लोटे की सहायता से इसको मैश करेंगे। चलिए दोस्तों, इम्तिहान की घड़ी आ गई है। बस थोड़े से दमखम का इस्तेमाल करके हमको इसको मात्र उतना ही मैश करना है जितना कि यह दानेदार रह जाए। देखिए एकदम परफेक्ट है। अब लोटे को साफ करते हुए साइड में रख देंगे। अब यहाँ से हिलना नहीं है। अब गैस के फ्लेम को चालू कर देंगे और हमें इसमें चम्मच चलाते रहना है, धीरे धीरे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और इसमें हमको चम्मच तब तक चलाते रहना है जब तक कि हलवा घी या कुकर ना छोड़ दे। अगर गैस के फ्लेम को बढ़ाकर बिना हटे लगातार इसमें चम्मच चलाते रहेंगे तो हमारा हलवा 2 से 3 मिनट में एकदम अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अच्छे से बनकर देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी, और हमारा हलवा अब कुकर भी छोड़ने लग गया है। अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे। अब अंत में इलायची पाउडर और दरदरा पीसा हुआ ड्राई फ्रूट को डाल देंगे। उसके बाद इसको हल्के से मिक्स कर देंगे और गैस को बंद कर देंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हलवा तो बन के तैयार हो गया है, फिर देरी किस बात की। चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा एकदम कम समय में और बहुत कम सामान में और बिना ज़्यादा किसी मेहनत के हमारा गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया है। कितना बेहतरीन दिख रहा है, और यकीन जानिए दोस्तों, ये खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट। लीजिए, अब घंटों मेहनत करने से छुटकारा भी मिल गया और इतना बेहतरीन और इतना स्वादिष्ट हमारा गाजर का हलवा भी बनके तैयार हो गया। तो फिर देर किस बात की, क्यों ना इस शाही गाजर के हलवे में ऊपर से क्रश किया हुआ ड्राई फ्रूट डाल करके इसके खाने का मज़ा लूटा जाए। तो दोस्तों, आप सभी की मेरे द्वारा बताए गए सस्ते, सुंदर, टिकाऊ, स्वादिष्ट और लाजवाब और उसके साथ साथ ही शाही गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी के बारे में क्या प्रतिक्रिया है? मज़ा आया, मज़ा आया। और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अब हमारे चैनल में आए हैं तो खाना खा के जाना। हाँ,
और उसके साथ साथ ही हमारे चैनल ब्यूट द हीट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल।